आप लोगों से हम ये पूछना चाहते थे कि होली में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग टिप्स एंड ट्रिक बताते ना। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, इस पे तो मेरा दिल आ गया और बहुत ही खुशी वाली बात है। क्या हो रहा है पीयूष? ब्रॉडबैंड लग रहा है हम लोगों का। ये देखो पीछे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को जय श्री राम। वैसे सुबह के बज रहे अभी 9 एंड तुम्हारा भाई सोकर उठ गया है। आजकल बहुत जल्दी उठ जा रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि गाइस हमको लगवाना है घर पे ब्रॉडबैंड। अब कल हम सोचे कि ब्रॉडबैंड वाले भैया लोग आकर लगा देंगे लोग, बट कल आए लोग नहीं। फिर कल कॉल आया, कहे लोग कि कल लगा देंगे, देखते हैं आज भी लगाते लोग कि नहीं। हमको लग रहा है कि ये लोग ड्रामा कर रहे लोग हमारे साथ। तो अभी हम सुबह सुबह उठ गए एंड उन्हीं लोग का वेट कर रहे हैं। आते लोग तो हम कहेंगे कि आज ही लगाइए, नहीं लगाना है तो मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। इतना ड्रामा करने से अच्छा ही है पैसा ले लो। और गाइस कल गए थे फिश लाने के लिए और फिश लाकर एक्वेरियम में अपने डाल दिए। दिखाए कैसा लग रहा है? ये देखो जरा गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। एक्वेरियम में दो एक प्रकार की मछली और एक सिंगल मछली, अरे कछुआ है। देखो कितना प्यारा लग रहा है एक्वेरियम, दूर से देखने में और भी प्यारा लग रहा है। अभी घर का लाइट ऑफ करते हैं और फिर दिखाते हैं, और भी प्यारा लगेगा। ये देखो घर का लाइट ऑफ हो गया। अभी ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, इस पे तो मेरा दिल आ गया। और गाइस ये देखो सुबह सुबह कितनी तगड़ी धूप निकल जा रही है। ये देखो जरा सुबह सुबह की धूप है, 9 बजे इतनी तगड़ी धूप निकल जा रही है। यही दोपहर में धूप इतनी तगड़ी हो रही है कि बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा। और इस सांप को देखो यहाँ पर आकर मस्त सोए पड़े हैं, बहुत ही प्यारा लगता है हमको ये। आए आए कह रहा है कि सैला हमको, कितना क्यूट है। सैला तो और भी अच्छे तरीके से सोता है, देखो चलो सोए रहो तुम यहीं पर। और आज हमारा गली भी बहुत शांति शांति सा लग रहा है, सुबह सुबह उठ गया है तो, वरना सुबह सुबह उठा नहीं कहते हैं, आराम से सोते हैं 10-11 बजे उठते हैं मस्त पूरा नींद पूरा कर। आजकल बहुत जल्दी उठ जा रहे हैं। अब थोड़े देर ऐसे ही हम धूप में बैठे रहेंगे और आराम से धूप लेंगे और उन लोग का वेट करेंगे, देखते हैं कि आते हैं लोग कि नहीं। हमको लग रहा है कि वो सब हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं लोग, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, चलो वेट ही ना करेंगे। और गाइस एक क्वेश्चन आप लोगों से करना था, आप लोगों से हम ये पूछना चाहते थे कि होली में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग टिप्स एंड ट्रिक बताते ना कि होली में हम क्या कर सकते हैं, तो और भी अच्छा सा हमको लगता। हम चाहते कि होली में इस साल कुछ हट कर करें, थोड़ा आप लोग कमेंट में बताओ कि ऐसा क्या करें जो आपको भी पसंद आए, हमको भी अच्छा लगे, फैमिली भी देखे लोग तो अच्छा सा लगे। बहुत ही अच्छा हम कुछ करना चाहते हैं, मेरा माइंड में चल रहा है लेकिन वो थोड़ा पॉजिटिव निगेटिव वाला हो जा रहा है, उतना भी ख़राब नहीं है, फनी है लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप लोग एक बार अपना राय देख लो तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, अपना राय देखकर एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी देखो मेरे साथ कौन है और बहुत ही खुशी वाली बात है। क्या हो रहा है पीयूष? ब्रॉडबैंड लग रहा है हम लोगों का। ये देखो पीछे भैया लोग आ गए हैं एंड लगा रहे लोग। एक भैया वहाँ पर चढ़े हैं और दूसरा भैया वहाँ पर है, और कनेक्शन होगा जानते हो कहाँ से? कनेक्शन भाई पीछे वाली गली से होगा यहाँ पर। चलो लग जाएगा तो जो नेटवर्क का इशू है वो सही हो जाएगा, अब ब्लॉगिंग अपलोड करने में थोड़ा भी हमको दिक्कत नहीं होगा। अभी ऊपर चढ़कर कोई कनेक्शन कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली जो मेरा ब्रॉडबैंड था वो लग चुका, कितने देर के बाद लगा है, कितना स्ट्रगल उसके लिए करना पड़ा, फिर जाकर हमारा ब्रॉडबैंड लगा एंड अब मेरा ब्लॉग अपलोड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अभी तुरंत हम ब्लॉग अपलोड किए भाई, जानते हो बहुत ही तगड़ा स्पीड से मेरा ब्लॉग अपलोड हुआ है, फर्स्ट टाइम उतना तगड़ा स्पीड से मेरा ब्लॉग अपलोड हुआ होगा, वरना किसी भी नेट से हम अपलोड करते थे इतना टाइम लगता था, 5 मिनट भी नहीं लगा मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया, समझो 2 से 3 मिनट के अंदर अपलोड हो गया। मज़ा आ गया अपलोड कर कर। और जो ऊपर केला का पेड़ था ये पहले इसमें था, तो इसको इसमें से शिफ्ट करके बड़े वाले डब्बे में लगा दिया लो। बड़े वाले में ये था जो बहुत बड़ा हो गया था, इसको छोटा करके छोटे वाले डब्बे में लगा दिया लो। केला का पेड़ है ना, उसे बंदर बार बार आकर तोड़ दे रहे थे सब, इसीलिए बड़े वाले डब्बे में लगा दिए, तो थोड़ा ऊपर कर दिया लो। पहले वहाँ पर था एक, यहाँ पर नीचे देख सकते हो पत्थर लगा कर उसके ऊपर इसको रख कर ये और भी ऊपर हो गया, तो बंदर
कम चांस है इसको तोड़ पाएंगे सब। तो अभी देख सकते हो हल्का हल्का इसका पत्ता भी निकलने लगा, वरना पूरा इसको ख़त्म कर दिए थे सब बंदर। अभी तो हल्का फुल्का पत्ता इसका निकल भी रहा है। बंदर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस वजह से हम कई दिन हो गए हमको छत पे चढ़े हुए, जा ही नहीं रहे छत पर, वरना पता नहीं कहाँ से वो टपक आ रहे हैं सब। भाई एक लड़के को काट लिए थे सब गली में ही, तो उस वजह से हम अपने छत पर जल्दी चढ़ नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल हम नीचे आकर जानते हो क्या कर रहे हैं। ये देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे कचरी है, कचरी सारे को तोड़ तोड़ कर फिर एक एक यहाँ पर देखो तोड़े हैं, फिर एक एक को छीले हैं और फिर जाकर इसको इसमें रख रहे हैं। कुल इतना सारा हम छील लिए हैं, जस्ट किडिंग है, जितना सारा हमने छीले ये मेरी मम्मी छीली है। हमसे तो छीला ही नहीं जा रहा, छीले तो मेरा हाथ दर्द करने लग रहा है। इसको ज़्यादा छीलने लगोगे ना तो तुम्हारा नाखून दर्द करने लगेगा, वही मेरे साथ हो रहा है। हमसे छीला ही नहीं जा रहा है, मेरा बार बार नाखून दर्द करने लग रहा है। अब हम थोड़ा बहुत ये छीलेंगे फिर इसको रख देंगे, इसको कल सुबह मम्मी छील लेगी। हमसे तो छीला नहीं जा रहा, फिंगर दर्द करने लगा। ये देखो क्या हो रहा है, नाखून भी मेरा नहीं है कि हम एक एक छील पाए उतने अच्छे तरीके से। देखो नाखून है ही नहीं मेरा। अभी फिलहाल आए हुए थे क्रिकेट खेलने के लिए एंड हम पहले ही गेंद पे आउट हो गए यहाँ पर, और भाई सब खेल रहे लोग मजे उठा रहे लोग, ये लोग हम तो खेल नहीं पाए। फर्स्ट गेंद पे ही आउट, बहुत ही दिन बुरा गया आज। अभी इन्हीं लोग का मैच देख रहे हैं, आज मेरा लग रहा है किस्मत ही ख़राब है, फर्स्ट गेंद पे ही आउट हो गए। अब इन लोग का मैच ही देखना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं आप सभी को क्या है, एक रन है। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ गिराते। तो गाइस अभी फिलहाल आ रहे घर में से, वैसे उस वक्त आए क्रिकेट खेल के तो चले गए घर में और थोड़ी देर सो गए, और अभी उठकर आ रहे जस्ट बाहर। भाई साहब पूरा शरीर दुखने लगा क्योंकि चले गए क्रिकेट खेलने के लिए ना, खेलने का आदत छूट चुका है। पहले जाते थे लो डेली तो नहीं दर्द करता था, अब दो तीन महीने बाद गए लो तो शरीर पूरा दर्द करने लगा, अभी भी दर्द ही कर रहा है। जब तक रात को सोएंगे नहीं तब तक सही नहीं होगा। अभी हम लोग निकले हुए लो थोड़ा बाहर घूमने के लिए, बहुत रात हो गई फिर भी कह लो चलो थोड़ा बाहर घूम लेते लो, क्योंकि कई दिनों के हम लोग बाहर घूमे हुए, बीच में बहुत पढ़ाई कर रहे थे लो, इतना पढ़ते पढ़ते थक गया है। कौन थक गया है ये नहीं थका, इसका कोई थक गया है, पता नहीं ये किसका बात करता है, ये दूसरे लोग का बात है। हम तो थक ही चुके थे पढ़ते पढ़ते, बस रिजल्ट उस हिसाब से हम पहले भाई हम पहले बता दे ट्वेल्थ फेलियर में बनेगा, दोबारा जो निकला है ना उसका पार्ट टू निकालेगा, ये तो देखने में मजा आएगा। फ्यूज रहेगा फिल्म में, आदित्य रहेगा, हम भी रहेंगे फर्स्ट प्राइज। नहीं तुम फर्स्ट डिवीजन से 80% से पास हो, 30% ऐसा नहीं हो सकता, इतना तो हम जानते हैं, इतना हम पढ़ाई नहीं की, देखिए 80% आ जाए, इतना हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। आप सभी को ये बता रहे थे कि हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मेरा 80% आ नहीं सकता, आएगा जरूर आएगा, 70% आ जाए ना तो भगवान के पैर पे गिर जाएंगे भाई। तुम 70% पे हो, 50% ऐसा वो बोलते हैं मेरे लिए। वो 50% का सोच रहा है, 35% फिर से थर्ड डिवीजन या फेल ही हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, फेल हो जाएंगे, फेल हो गए तभी ना पार्ट टू निकालोगे, चलो लीग के आएंगे तब ना पास होंगे। सही बात है, दिन रात एक करके तुम पढ़ रहे थे, देखते हैं पास हो पाते, एक दिन में एक घंटा पढ़ रहे थे, फिर अपना सारा राज आज ब्लॉग में बता दिया। अभी हम लोग पहुँचे हुए लोग यहाँ पर पकौड़ी खाने के लिए, अभी गाइस भाई लोग वहाँ पे पकौड़ी ले रहे हैं लोग, एंड हम आए हैं स्टेशन की साइड, स्टेशन की साइड कितने दिनों बाद आ रहे हैं, देख रहे हो स्टेशन हम लोग का बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पहले से, बहुत दिनों बाद यहाँ पर आ रहे हैं। अभी जी वहाँ से मस्त पकौड़ी खा कर निकल लिए लो, और वहाँ पर स्टेशन भी बनना स्टार्ट हो गया, काफ़ी बन भी चुका है, वैसे अभी स्टेशन के पास गए नहीं है क्योंकि अभी दो तीन ब्लॉक पहले ही देख सकते हो हम पकड़े गए थे टीटी के द्वारा, हम लोग का चालान कटा था, उस वजह से अभी स्टेशन के पास जाने पर थोड़ा हल्का सा घबराहट सी होती है, फिर पकड़ मत ले लो और कह लो कि प्लेटफॉर्म टिकट कटा हुआ कि नहीं, उस वक्त हम लोग की गलती थी जो कि हम लोग को भुगतना पड़ा। और अभी स्टेशन काफ़ी बन कर रेडी भी हो चुका है, जिस दिन बढ़िया तरीका से रेडी हो जाएगा ना उस दिन आपको दिखाएंगे पूरा पूरा का पूरा, अभी काफ़ी ही बन चुका है, जो आगे का बाउंड्री था वो भी टूट गया पूरा, अब वो पता नहीं कैसा बनाएंगे लोग,
लेकिन अच्छा बनेगा, आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे घर और इस ब्लॉग को यही पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग पसंद है, पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जो मन वो करो। तब तक के लिए बाय बाय। और तू ही मेरे